दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी और प्रदेश के गृह मंत्री दामोदर साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश के सभी जिलों में निरंतर विकास कार्य हुए हैं। प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए कार्य किया है, जिसका लाभ सभी को मिल भी रहा है। किसानों के हित में प्रदेश सरकार ने कल्याणकारी योजनाएं लाई, जिसका लाभ प्रदेश के किसानों को मिला। उन्होंने ये भी कहा कि दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता से उनका संबंध है, सभी के दुख दर्द में वे हमेशा शामिल होते आए हैं। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है, उस पर वह पूरी तरह से खरा उतरे हैं। मतदाताओं से जो वादे उन्होंने किए, उसे निभाया। देखिए, चुनाव के समय ही दौरा करें तो उसका अलग एक बात होता है, लेकिन जब से हम लोगों ने मैं चुनाव जीता, हमारी सरकार बनी, तब से लगातार 5 साल हम लोग दौरा करते आ रहे हैं। और हमारे सभी पदाधिकारी, चाहे वो जिला पंचायत बाड़ी हो, जनपद बाड़ी हो, रिसाली निगम की बाड़ी हो, कांग्रेस संगठन हो, सभी लोग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, लगातार 5 साल से काम कर रहे हैं और दौरा करते हैं, लोगों से मिलना जुलना करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनी हैं, क्रियान्वित हो रहा है, उस पर चर्चा करते हैं, उन कामों को करते हैं, तो बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है हम लोगों को। बहुत अच्छा लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर हम सबको मिल रहा है। देखिए, फार्म टिकट तो बहुत लोग मांगते हैं प्रत्याशी बनना, और अच्छी बात भी है कि कोई आदमी अपने आप को प्रत्याशी योग्य बना लिया, मान लिया, मांगता है, बड़ी अच्छी स्वस्थ परंपरा है। और जी, एक मिलेगा टिकट तो एक को मिलेगा, सभी जानते हैं, तो कुछ समय जरूर थोड़ी बहुत नाराजगी की बात रहती है, लेकिन पार्टी से अलग हटके बहुत कम एक आध लोग ही पार्टी से बगावत करते हैं या निर्दलीय लड़ते हैं, बाकी सब धीरे से पार्टी का काम करते हैं, इसलिए कहीं कोई परेशानी की बात नहीं होगी। नहीं, कोई महिला कार्यकर्ता नाराज नहीं होते, पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं पार्टी के आदेशों को मानते हैं, कहीं कम हो जाता है, कहीं ज़्यादा हो जाता है, और अभी बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। दुर्ग एक जगह नहीं होता तो दूसरे जगह हो जाता है, ये सामान्य प्रक्रिया है कि कहीं हो जाता है, कहीं नहीं होता, पर इसमें नाराजगी की बात नहीं होती। नज़रिया है अपना अपना। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जितना काम हुआ है वो तो जनता जानती है, स्वीकार करती है, और हमको आम जनता का जो सोच है, जो बोल है, जो बातें हैं, उस पर ध्यान देना है, और वो हमारे पक्ष अच्छी बात है, आना चाहिए। चुनाव में सभी राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेतागण आते हैं अपने अपने दल के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए। आदरणीय प्रियंका जी के आने से हमारे कांग्रेस में ज़बरदस्त उत्साह बढ़ेगा, जोश बढ़ेगा, काफ़ी मतों की बढ़ोतरी होगी, हमारे प्रत्याशी बहुत ज़्यादा, हम सब प्रत्याशी बहुत ज़्यादा मतों से जीतेंगे। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रचार के लिए आएँ, जरूर सभी राजनीतिक दल के लोग आते हैं, पर मतों में कोई अंतर डाल पाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। अभी तो पता चलेगा, अभी कितने लोग खड़े होते हैं, कितना वापस लेते हैं, कौन बचता है, ये तो अभी सामने है। तुरंत अभी उस पर कुछ कहना उचित नहीं है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा डैमेज कंट्रोल की बात, तो अभी फार्म भरने का समय है, स्क्रूटनी के बाद विड्राल का समय होता है, विड्राल के बाद नक्शा स्पष्ट।